कोच गौतम गंभीर के युग का शानदार आगाज हो चुका है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज 3-0 से जीत कर ली है। तीसरा T20 मैच भारत ने सुपर ओवर में जाकर जीता है। गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम ने यह पहला सीरीज खेला था। पहले सीरीज में कोच गंभीर के अचूक चाल ने विश्व क्रिकेट को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल एक समय भारतीय टीम मैच को हारने के करीब में पहुंच चुका था, लेकिन रिंकू सिंह और कप्तान सूर्य कुमार यादव की गेंदबाजी ने मैच में सारा फर्क पैदा कर दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैच में गेंदबाजी की और भारत के लिए मैच को टाई कर दिया। दोनों की गेंदबाजी ने ही मैच को पलटने का काम किया था। इसके बाद फिर सुपर ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने केवल एक रन देकर भारत को मैच जिता दिया। कोच गौतम गंभीर की तारीफ भारतीय फैंस जोरों से कर रहे हैं। दरअसल यह गंभीर की आक्रामक रणनीति का ही उदाहरण है कि अहम समय में रिंकू सिंह और आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी की। दोनों की गेंदबाजी ने श्रीलंका के बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। दरअसल बारिश के कारण 1 घंटा विलंब से शुरू हुए मैच में श्रीलंका की टीम कुशाल मेंडिस, जिन्होंने 43 रन और प्रथम निशांका 26 रन के साथ पहले विकेट की 58 और कुशाल परेरा 40 के साथ दूसरे विकेट की 42 रन की साझेदारी से 16वें ओवर में एक विकेट पर 110 रन बनाकर आसान जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन गेंदबाजों ने पासा पलट दिया। बता दें श्रीलंका को आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए 30 रन की दरकरार थी। रिंकू सिंह ने 19वें ओवर में परेरा का कैच अपनी ही गेंद पर लपकने के बाद रमेश मेंडिस को आउट करके मुकाबले को रोमांचक बना दिया। वहीं श्रीलंका को अंतिम ओवर में 6 रन की जरूरत थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद गेंदबाजी करने उतरे। उन्होंने दूसरी गेंद पर कमिंदु मेंडिस 1 रन को रिंकू सिंह के हाथों कैच करा के T20 इंटरनेशनल में पहला विकेट हासिल किया। पहली गेंद पर तीक्ष्ण, जिन्होंने 0-0 रन बनाए थे, सैमसन को कैच दे बैठे। वहीं चौथी गेंद पर फर्नांडो ने 1 रन बनाया। वहीं अब अंतिम दो गेंदों पर 5 रन की दरकरार थी। विक्रम सिंधे ने दोनों गेंदों पर 2-2 रन बनाकर मैच को टाई कर दिया। वहीं गंभीर के कोच बनते ही भारतीय क्रिकेट में आक्रामक फैसले आने लगे। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव को T20 का कप्तान बनाया गया, फिर शुभमन गिल को वनडे और T20 का उप कप्तान नियुक्त किया गया। वहीं कोहली और रोहित जैसे सीनियर्स खिलाड़ियों को वनडे सीरीज में खेलने के लिए बुलाया गया। इसके बाद अब T20 सीरीज के आखिरी मैच में सूर्या और रिंकू सिंह ने गेंदबाजी कर गंभीर युग का ऐलान कर दिया। अब विश्व क्रिकेट भी गंभीर युग के आगमन के संकेत में है। वहीं भारतीय टीम अब 2 अगस्त से भारतीय टीम वनडे सीरीज खेलेगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज इस सीरीज में अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें वनडे सीरीज का शेड्यूल, पहला वनडे 2 अगस्त दोपहर 2 बजे से, दूसरा वनडे 4 अगस्त और तीसरा वनडे 7 अगस्त को खेला जाएगा। ENP टाइम्स की रिपोर्ट।